तो आज हम लोग के पास है एक बोट के ईयरबड जो कि मैंने बाय किया है फ्लिपकार्ट से। इसका प्राइस मुझे पड़ा है 1300 रुपये। तो इसको हम करते हैं कट। ये रहा इसका बिल। अगर आप चाहो तो वीडियो पॉज करके बिल में प्राइस देख सकते हो कि एग्जैक्ट मुझे कितने का पड़ा है। तो बोट के नाम से याद आता है कि अपनी इंडिया की कंपनी है और काफ़ी साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। इसका बेस वेस एक नंबर लगता है मेरे को और मैं ज़्यादातर जो है अपना इंडियन ब्रांड्स को ही सपोर्ट करता हूँ, तो आप लोग भी करो यार। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना। इसको हम करते हैं यहाँ से कट। ये थोड़ा सा पन्नी हटा हुआ था, चलो पूरा ही हटा लेते हैं। तो ये है, इसको करते हैं कट। पहले वाला मेरा खुला नहीं था, शायद पैकिंग वैसी ही है। हाँ, ये नहीं खुलेगा। पीछे से एक बार ट्राई करते हैं कि वहाँ से खुलेगा या नहीं। इसको लगा कट। ये भी पहले की जैसी पैकिंग है, पैकिंग मैंने कोई भी चेंज नहीं किया। अभी मुझे एक कट ही लगाना पड़ेगा। तो चलो पूरे बॉक्स को ढूंढते हैं। तो यार हाँ, अगर आप लोगों को बाय करना हो तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से बाय कर सकते हो। तो मैंने जो मंगाया है वो ग्रीन कलर है, लाइट जलती हुई आई है यानी कि ऑन है। टाइप सी पोर्ट मिलता है, केबल A to C है जो कि क्वालिटी काफ़ी बेहतरीन है बोट की तरफ से। अगर आप उसे खींचोगे या घुमाओगे तो टेंशन मतलब टूटेगी नहीं। हाँ, केबल की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और मस्त है। ग्रीन कलर मेरे को पसंद है, अगर आप लोगों को भी पसंद हो तो आप उस तरीके का मंगा लेना। हाँ, क्वालिटी बिल्कुल वही एक नंबर। तो इसको रखते हैं साइड में। इसका बेस काफ़ी अच्छा है, मैंने यूज़ किया है और शायद आप लोगों ने भी, जितने मेरे सब्सक्राइबर उन लोगों ने यूज़ किया होगा। और एक चीज़ और, इस पर लिखा 15 hours, बट पूरा 15 hours नहीं है, 13 या 12.5 सिर्फ इतना ही है एक बार चार्ज करने पर। और वो खाली ईयरबड नहीं, पूरी इसका जो चार्जर की केस है ना वो चार्ज करोगे तब ईयरबड तो आपके 1 घंटे में डिस्चार्ज हो जाते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।